अभी हम बात करेंगे जो ग्रेमिनी परिवार है, जिसको हम पोएसी परिवार भी कहते हैं। तो इस ग्रेमिनी परिवार का जो पुष्प सूत्र है, इसका पुष्प चित्र है, इसके विशिष्ट लक्षण क्या क्या है और इसका आर्थिक महत्व क्या है, क्योंकि हमारी 12वीं की परीक्षा में ग्रेमिनी परिवार या पोएसी फैमिली के बारे में भी प्रश्न आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ग्रेमिनी फैमिली को पोएसी फैमिली भी कहते हैं और ये एक बीजपत्री या मोनोकोट का सबसे बड़ा परिवार है, ग्रेमिनी या पोएसी। यहाँ पर मैंने इसका एक फार्मूला लिखा है और यहाँ इसका अगर फार्मूला हम देखें तो बाकी जो हमने सोलनेसी, मालवेसी और क्रूसीफेरी का जो फार्मूला देखा था उसके कंपैरिजन में इसके फार्मूले में थोड़ा सा वेरिएशन है। क्या वेरिएशन है देखिए, यहाँ पर एक सिंबल हमने इस्तेमाल किया है जिसको परसेंटेज कहते हैं, और कई बार परीक्षाओं में ऐसा अगर परसेंटेज बना हुआ नहीं आता तो फिर एक सिंपल सा इस प्रकार का सिंबल भी आता है कि सर्कल है और इसमें एक क्रॉस लगा रखा है, एक लाइन खींच रखी है। इन दोनों ही सिंबल का मतलब होता है कि जो फ्लावर होते हैं ग्रेमिनी फैमिली में ये जाइगोमॉर्फिक होते हैं। तो हम कह सकते हैं द फ्लावर ऑफ द ग्रेमिनी फैमिली आर जाइगोमॉर्फिक, और जाइगोमॉर्फिक को हिंदी में एक व्यास सममित कहा जाता है। सेकंड, यह जानते ही हैं कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स यानी कि द्विलिंगी पुष्प होते हैं इसके। फिर यहां पर एक शब्द पी आया हुआ है, पी फॉर पेरिएंथ, और पेरिएंथ को हिंदी में परिदल कहते हैं। हमने सोलनेसी और मालवेसी में और क्रूसीफेरम देखा था, यहां पर के और सी लिखा हुआ था, के फॉर कैलेक्स यानी कि हरी पत्तियां और सी फॉर करोला यानी कि रंगीन पंखुड़ियां या कलरफुल पीटल्स जो होते हैं। लेकिन यहां पर के और सी इसके फॉर्मूले में नहीं आया है, तो यहां पर एक बात ध्यान रखना है, जिन प्लांट में जिन फैमिली के अंदर कैलेक्स यानी के और करोला यानी कि सी ये दोनों अगर नहीं आते हैं तो वहां पर फिर पी लिखा जाता है, पी फॉर पेरिएंथ, और पेरिएंथ का मतलब होता है कि फ्लावर के कैलिक्स और करोला यानी बाह्य दल और दल दोनों एक समान एक कलर के हो गए हैं, इन दोनों को अलग अलग पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो हम यूं कह सकते हैं इंग्लिश में कि पेरिएंथ का जो मीनिंग होता है, व्हेन द कैलिक्स एंड करोला आर यूनाइटेड आर सिमिलर आइडेंटिकल इट इज डिफरेंट इट इज डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट इन कैलेक्स एंड करोला, यानी कैलेक्स और करोला को अलग अलग पहचानना मुश्किल हो जाता है, बोथ आर सिमिलर एक हो जाते हैं, तब हम पी लिखते हैं। तो पेरिएंथ को हिंदी में परिदल कहा जाता है। ए फॉर एंड्रोसियम, स्टेमन के लिए आता है, स्टेमन की संख्या 3 भी होती है और कभी कभी 6 भी हो सकती है, तो 3+3 भी लिखा जाता है। और गाइनोशियम, यहाँ पर सिर्फ जो अंडाशय की बात करेंगे उसमें सिर्फ एक ही कार्पल, एक ही ओव्यूल या एक ही अंडा रहेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली का एक फ्लोरल फार्मूला है, और फार्मूले के बेसिस पे हम अगर डायग्राम की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए फर्स्ट वाला जो मैंने यहाँ पर ये जो बनाया है, ये जो कंडीशन है, एक ये वाली कंडीशन और एक ये नीचे वाली कंडीशन, ये पी है, पी फॉर पेरिएंथ, क्योंकि यहाँ पर कैलेक्स और करोला नहीं होते तो हम यहाँ पर पी लिखते हैं। तो दो जो है पी है, और आपने अगर गेहूं का फूल देखा हो तो वहाँ पर पुष्पक्रम के नीचे एक पत्ती दिखाई देती है, उसको लोडिकुल कहा जाता है, हम लोग कहते हैं फ्लावर के अंदर। तो पेरिएंथ की संख्या यहाँ पर 2 होती है। देन इसकी बात करें हम, तो ये जो एंड्रोशियम है वो यहां पर 3 है, तो ये 1, 2 और 3 ये इसके एंड्रोशियम है। और गाइनोशियम की बात करेंगे जिसके अंदर सिर्फ एक ही ओव्यूल दिखाई देता है, तो ये वाला जो पार्ट है ये इसके अंदर जी है। और चूंकि ये जो लोडिक्यूल्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये लोडिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो फार्मूला है और फार्मूले के बेसिस पे एक जो डायग्राम है, ये ग्रेमिनी फैमिली के फ्लावर का एक डायग्राम है, जिसमें हमें यानी कि परिदल के बारे में या पेरिएंथ के बारे में विशेष ध्यान रखना है, उसके बाद में एंड्रोशियम और फिर गाइनोशियम। अब यहां पर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जो ग्रेमिनी फैमिली है या जो पोएसी परिवार है, इसका हमारे लिए इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है या आर्थिक महत्व क्या है। तो हम यहां पर देखेंगे कि सबसे पहले इसका हमारे लिए इकोनॉमिक इंपोर्टेंस सबसे ज्यादा है। जितनी भी प्लांट फैमिली हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो सोलनेसी हो, मालवेसी हो, क्रूसीफेरी हो, ग्रेमिनी हो, कुकरबिटेसी हो, कंपोजिटी हो, ऐसी तमाम प्रकार की जो प्लांट फैमिलीज है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैमिली हमारे लिए है वो है ग्रेमिनी फैमिली। क्योंकि ग्रेमिनी फैमिली से हमें सीरियल प्राप्त होता है, सीरियल मतलब अनाज वाली फसलें, फॉर एग्जाम्पल वीट, राइस, मेज, पर्ल मिलेट, सोरगम यानी कि गेहूँ, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, बार्ले यानी कि जो ये फसलें जिनकी हम रोटी खाते हैं, तो ये सीरियल क्रॉप जो है वो ग्रेमिनी फैमिली में आती हैं।
सेकंड शुगर की प्राप्ति होती है, शर्करा की प्राप्ति होती है, तो शुगर केन जो होता है गन्ना वो भी ग्रेमिनी फैमिली में आता है, तो ग्रेमिनी फैमिली से हमें शुगर प्राप्त होती है। देर इंडस्ट्रियल की हम बात करें तो जो बांस बांस जो होता है बंबू, उससे जो टोकरियाँ चटाई और जो कई प्रकार की चेयर्स वगैरह बनाई जाती है उस इंडस्ट्री में बंबू यानी बांस का बड़ा महत्व है। सेकंड हम बात करेंगे फोडर या एनिमल फोडर या पशु चारे के रूप में, तो कई प्रकार की जो मक्का जो होती है मेज, मक्का की चरी, ज्वार की चरी, सोरगम जो होता है मेज होता है और जो पर्ल मिलेट है बाजरा, ये पशुओं को एज ए फोडर भी इन्हें चारे के रूप में खिलाया जाता है। और ऑर्नामेंटल की बात करेंगे तो जब गार्डन में जहाँ पर लॉन तैयार होता है, लॉन मतलब हरियाली जिसको हम कहते हैं, लॉन तैयार करने के लिए हमें दूब घास या बरमुडा ग्रास जिसका नाम है साइनोडोन डेक्टाई लॉन, जो गार्डन में हरियाली या लॉन के रूप में काम आता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करें तो नंबर वन ग्रेमिनी फैमिलीज जो होती है वो सीरियल्स के लिए यूज़ की जाती है, नंबर दो ये शुगर के लिए यूज़ की जाती है, तीसरा इसका इंडस्ट्री में बड़ा इंपोर्टेंस है, फोडर मतलब पशु चारे के रूप में है, और फिर ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में। यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप मान लीजिए सीरियल की बात करें, गेहूँ की बात करें, तो आपको इसका बोटनिकल नेम ट्रिट्रिकम एस्टिवम भी लिख करके आना है। आप राइस की बात करेंगे धान की, तो इसका जो वानस्पतिक नाम है बोटनिकल नेम ओराइजा सटाइवा, ये आपको लिख करके आना है। अगर आप बात करेंगे मेज की, मक्का की जिसको हम कॉर्न भी कहते हैं, तो मक्का को जिया मेज के नाम से आपको इसका बोटनिकल नेम लिख करके आना है। शुगर केन की बात करेंगे, गन्ने की बात करेंगे, तो सेकेरम ऑफिसिनेरम जो कि गन्ने का वानस्पतिक नाम है आपको वो लिख करके आना है। बंबूसा स्पीसीज जो कि बांस का बोटनिकल नेम है। देन पर्ल मिलेट की बात करें या सोरगम की बात करें या फिर हम मेज की बात करें, तो सोरगम के लिए सोरगम बाइकलर पेनिसेटम परपुरियम पर्ल मिलेट, या फिर हम बात करेंगे कि मक्का है तो जिया मेज, ये फोडर के रूप में काम आ रहे हैं, आपको इनका बोटनिकल नेम लिख करके आना है। और ऑर्नामेंटल प्लांट में साइनोडोन डेक्टाइलोन जो कि दूब घास जो कि खरपतवार भी होता है और ये हम हरियाली के रूप में लॉन के रूप में गार्डन में लगा भी सकते हैं। तो ये जो ग्रेमिनी फैमिली है आप इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस अगर लिख करके आते हैं, साथ में आप फार्मूला लिखेंगे और डायग्राम बनाएंगे, तो निश्चित रूप से हमें जो एग्जाम में बोर्ड के एग्जाम में जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से कवर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा ग्रेमिनी फैमिली है इसका इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताया, और इसी प्रकार के और भी अलग अलग प्रकार के जो हमारे चैप्टर्स हैं और जिनका इम्पोर्टेंस बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा है, इनके वीडियो में आपके लिए और लेकर के आ रहा हूँ। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारा जो चैनल है एपिकल एग्री अकेडमी उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी कोई भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपकी हर समस्या का समाधान जो है हम लोग करेंगे। नीचे हमारे मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं, हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी ग्रेमिनी फैमिली, ये आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।